हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। एक्चुअली जयपुर ही जाना है, और जयपुर किस लिए जाना है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो पहले पैकिंग कर लेते हैं। तो सामान सारा मैंने पैक कर ही लिया है, लेकिन बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया कि ये जो ट्रेन है वो अभी यहाँ से 2.5 घंटे की दूरी पर है, कि अभी 2.5 घंटा तो लगने वाला है करीब करीब उस ट्रेन को आने में। तो बैग सामान सारा पैक कर लिया है, लेकिन साथ में यहाँ थोड़ी पेप्सी चॉकलेट्स भी रखी हैं, वो भी पैक करनी है, चुनना के लिए लेके जानी है। अब बात यह है कि मन कर रहा है मेरा एक खा लूँ यहाँ से, पर खा नहीं सकता, सॉरी। अब 2.5 घंटे का टाइम है हमारे पास, तो हम करें क्या? आज मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला है। लास्ट 5 दिन से मैं लगातार कंटिन्यू डाल रहा हूँ, और अच्छी बात है कि मैं डाल रहा हूँ वीडियोस क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2.5 घंटे का टाइम है हमारे पास और कुछ कर भी नहीं सकते। तैयार मैं पूरा हो ही चुका हूँ, और माशाल्लाह मुझे तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपको पता नहीं क्या लग रहा हूँ, बताना मेरे को ज़रूर। और इसके अलावा अभी कुछ प्लान ऐसा कुछ खास है नहीं। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं जा कर रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड, एक सेकेंड, हाँ, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, जो मतलब देखते हैं किताबों को, या फिर जो जानते हैं किताबों के बारे में, उनको एक बात ज़रूर पता होगी। जो लोग रोमांस बुक्स पढ़ते हैं या फिर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने के लिए, उनको ये नाम ज़रूर याद होगा कि सुदीप नागरकर कौन है। मैं बताता हूँ एक स्टोरी क्या है। तो हुआ क्या था कि 2 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, और 2 साल पहले इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था अपने काम के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता था, तो इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और इन्होंने मुझे बताया कि राइटिंग कैसे करनी है, किस तरह से पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आगे जाना है और किस तरह से चीज़ों को समझना है। तो पहली बार मेरी मुलाकात उस टाइम पे हुई थी इनसे, और इनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला किस तरह से मैं अपनी बुक पब्लिश कर सकता हूँ, और उस वजह से मेरी बुक पब्लिश हुई पहली। चूँकि क्रॉसवर्ड में मुझे उनसे मिलना है। हुआ ये था कि जब इनकी ये जब बुक आई थी, पहले जो 10 बुक इन्होंने लिखी हुई है, तो जब इनकी जो 10 बुक थी, मैंने इन सब के ऑटोग्राफ लिए थे उनसे, और मुझे मैं उनसे मिला था। लेकिन उसके बाद इनकी 11th बुक आई, द सीक्रेट्स वी कीप, और मैं इनसे मिल नहीं पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे उस टाइम पे। और उसके बाद अब इनकी बुक आ रही है स्टैंड बाय मी, अब मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा, तो मैं सोच रहा हूँ इनसे मिल के आता हूँ, इनसे बात करता हूँ, और इन्हें बताता हूँ कि इन 2 सालों में मुझ में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, और इनकी वजह से मुझे लिखने की इतनी वो मिली है, मतलब अप्रिसिएशन, आई मीन क्या बोलते हैं उसे। हाँ, तो मुझे इनसे प्रेरणा मिली है, इंस्पिरेशन। आई एम फाइनली इन जयपुर, और मैं क्या बोलूँ कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक रास्ता था क्योंकि संक्रांति आने वाली है, और संक्रांति की वजह से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, आ जा रहे थे, तो ट्रेन में जगह मिली नहीं। पर कैसे ना कैसे करके मैं आ गया यहाँ पे, और अभी क्या है ना कि बहुत थका हुआ हूँ, तो मतलब, और अभी लाइव स्ट्रीम भी करनी है, अभी 1 घंटा बचा हुआ है मेरा, मैंने वीडियो भी नहीं डाली है, बड़ा आलस आ गया था मुझे राजगढ़ में, लेकिन मैं वीडियो जल्दी डालूंगा, अभी अभी डालूंगा, थोड़ी देर में मैं लाइव आने वाला हूँ, मतलब 11 जनवरी को, मतलब आप जब देख रहे होंगे तो अभी 12 या 13 जनवरी हो चुका होगा, तो मैं 11 जनवरी को अभी ये वीडियो डालने वाला हूँ, और कल मैं उनसे मिलने वाला हूँ, तो डायरेक्ट अब कल बात करते हैं।
हेलो गुड मॉर्निंग। अभी प्लान में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। कल मैं मिलने वाला था सुदीप नगर करजी से, मतलब कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं सुदीप नगर करजी से मिलने वाला हूँ आज, और आज मैं मिलने वाला भी था। आज 5 बजे का प्रोग्राम है, वो मुंबई से निकल गए होंगे अपनी फ्लाइट में, लेकिन प्रॉब्लम लास्ट टाइम पे ये आ गई है कि मुझे राजगढ़ जाना पड़ जाएगा किसी ज़रूरी काम से। वो ज़रूरी काम क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी मतलब ट्रेन छूटने वाली है और हम बहुत ज़्यादा हरी में हैं, यहाँ से निकल तो चुके हैं। अब देखते क्या होता है, मतलब एंड टाइम पे इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया है। और उसके अलावा एक बात और ये भी है कि अजिताभ जी ने मुझे बोला था कि सुदीप सर जब आए तो उनको एक बुक गिफ्ट कर देना। अब मैं यहाँ पर तो हूँ नहीं, तो अब उनको बुक गिफ्ट करूँगा, और मैंने उनको प्रॉमिस भी दे दिया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं करूँ क्या। अब मुझे पहले राजगढ़ जाना है, वो प्रोग्राम अटेंड करना है, उसके बाद वापस से ट्रेन पकड़ के मुझे वापस जयपुर आना है। सिर्फ एक एक घंटे के अंदर, एक घंटे में वहाँ जाना है मुझे, एक दो घंटे में वहाँ जाके तुरंत वो प्रोग्राम अटेंड करके वहाँ से वापस यहाँ जयपुर आना है। जयपुर में वापस आके मुझे यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करना, फिर वापस राजगढ़ जाना है सिर्फ 2 घंटे में। 7:40 की वापस से ट्रेन है मेरी जयपुर से राजगढ़। तो आज पूरा दिन भर मैं गाड़ी में ट्रेन में इसी में निकालने वाला हूँ। मतलब आज का तो मतलब ऐसा दिन मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक भैया, बाय, थैंक यू। सो आई वॉज सपोज टू रीच जयपुर एट 5:09, लेकिन ट्रेन लेट हो गई, कई जगह क्रॉसिंग थी तो रुक गई ट्रेन, और अभी मैं जयपुर वापस आ गया हूँ। कपड़े भी चेंज है मेरे, और आपने मेरा राजगढ़ का प्रोग्राम अगर देखा नहीं है तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अपनी पहली किताब हिंदी में प्रकाशित की, जिससे इन्हें हिंदुस्तान का सबसे युवा हिंदी लेखक का टाइटल मिला, और उस किताब ने युवा पीढ़ी की तकलीफों से जूझ रहे लोगों को पॉजिटिव रहने का संदेश दिया। उनकी दूसरी किताब अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन अजिताभ बोस ने किया। अजिताभ बोस एक ऑथर और बॉलीवुड के जाने माने वेब सीरीज निर्माता और निर्देशक हैं। यश को अपनी दूसरी किताब के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दुनिया का सबसे युवा पॉकेट बुक लेखक का टाइटल मिला, और इसके लिए राजगढ़ की धरा को एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। लेखक को अपनी रुचि बनाकर काम किया, और ट्विटर पर यश को चीन, अमेरिका, इंडिया के जाने माने फिल्म निर्देशक फॉलो भी करते हैं। सैल्यूट है इस बच्चे को, तालियों की गड़गड़ाहट से इस बच्चे का उत्साहवर्धन हम सब मिलकर करें। तालियों के साथ। बहुत खूबसूरत इस बच्चे ने अबे इधर तो देखो यार, अपनी माँ को अपना उपहार भेंट किया। आज एक बड़े पते की बात बताती हूँ। कल मैं राजेश भैया के साथ एक फंक्शन में बैठी थी, राजेश भैया से मैंने जब उन्हें बधाई दी तो उन्होंने मुझे बोला कि भाभी आपको पता है मैंने इसकी इस काम के लिए पिटाई भी कर दी थी कि इस काम से तेरा पेट भरेगा क्या, लेकिन भैया को फक्र होना चाहिए उनकी इस बात पर कि आज उसी ने उनका सम्मान और गौरव बढ़ाया। लेकिन अभी क्या है ना कि मैंने क्रॉसवर्ड में 2-3 बार फोन किया, और क्रॉसवर्ड में फोन करने के बाद पता चला कि अभी वो बस अभी आए हैं, इवेंट शुरू हुआ है और थोड़ी देर में इवेंट शायद ओवर भी हो सकता है। मुझे कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मुंबई चले जाएंगे और मेरे पास जो काम है अजिताभ जी ने मुझे जो काम सौंपा है तो वो भी पूरा करना ही है। सो फाइनली अभी मैं क्रॉसवर्ड तो पहुंच चुका हूँ, बट अभी पता नहीं कि सर अभी यहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। आई विश कि यहाँ पर हो। एक्सक्यूज मी मैम, आई समवेयर एनालाइज कि मैं कहाँ पे सही
कहाँ पे गलत था, तो समवेयर इट हेल्प मी एंड आई वॉज क्वाइट ओपन अबाउट दिस थिंग दैट इट्स माई लव स्टोरी. सो देर आर सो मेनी पीपल, देर आर सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माई मदर हु केम अप टू हर कि बहुत बुरा हुआ, बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड माई मदर इज लाइक कि क्या लिख दिया है तूने ऐसे, आई एम गोना फेस सो मच ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस दैट अभी क्या करेगा आगे एंड ऑल दोस थिंग्स एंड ब्ला 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 ब्ला, इतना कुछ हो गया उसके साथ ये वो, यू हैड नो एब्सोल्युटली नो क्ल्यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स ये वो. सो इट्स नॉट दैट इजी, यू सी इट्स लाइक ओनली नॉट ओनली यू आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट थिंग बट देन योर फैमिली इज ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड. सो नॉट दैट इजी टू कम अप फ्रंट, बट देन इफ यू आर श्योर that whatever you are writing you are okay, it's your life at the end of the day, and if you are okay to open it to all, then it's fine. Oh, I don't know, I mean like when he asked me that I want your photograph with Jasmine on the cover page, I'm like ki do bar soch le ki whether you really want to go ahead with it or not, but then he said no, I'm quite sure, and he made it look very pretty, he made it look amazing. And there are so many people, then after that, again, it had side effects. There were so many people who asked me that, is it your love story? Is it your love story? And I'm like, no, I'm just on the cover. It's not my love story. But then, yeah, it was amazing. It was really great of him to give that kind of honor. And he has always said that I am his favorite author. So to have such kind of honor is obviously great. Sir, agar main kuch bhi hona aaj, to aapki wajah se, sir. So sweet. Thank you so much. सर आपने वो अपने फीड पे डाला था कि है ना अजिताभ जी ने आपकी वो बुक के ऊपर आपका कवर फोटो है, तो मैं उनके कांटेक्ट में आया, उन्होंने मुझे पॉकेट बुक लिखने को बोला, मैंने पॉकेट बुक लिखा, उसके बाद मुझे इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्राइज ग्रेट किया. दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एप्रिसिएशन एंड इट्स रियली नाइस टू हियर लाइक पॉकेट बुक्स. आई डोंट नो प्रोबेबली आई कैन नेवर राइट अ स्टोरी, इट्स एन आर्ट टू complete a book. In how many words you write in a book? 3000 mein ek chapter nahi khatam hota usme, so that is how it is, but then everyone has their own excellence and all the best for that. ये जब आप मेरे को मिलने आया था ना, उसी दिन मुझे अपने पब्लिशर मिले, तो वहीं पर उसी जगह ओके मैं वही बोल रहा था आपकी वजह से सर ये बुक डेडिकेटेड टू यू. दैट्स सो स्वीट. मैं आपको लाइव पे मैसेज किया था, आपको याद होगा. हां राइट राइट यस स्टोरी थैंक यू. So how do they categorize you, like book of records, like birth certificate? No, I mean on what basis? Sir, so this is for pocket books. हर किसी भी चीज़ के लिए रिकॉर्ड बनते हैं ना, उसके लिए तो बर्थ सर्टिफिकेट, आपके फोटो, उसके बाद. So this is for youngest या क्या है? Youngest. अच्छा. What's your age? 21. अभी अप्रैल में 22. इस दर में जिताब जी के भी साइन है, तो अगर आप कर दीजिए. इससे होगा? इससे होता है सर, इसी से करवाया था लास्ट टाइम. हाँ जिताब जी को करवाया था. सर जिताब जी और साथ में बुक आई है. क्या नाम से? अभी मतलब डिसाइड कर रहे हैं हम लोग किस तरह से लिखना होता. ओके. I'm turning off my phone, yo.